बिग बॉस के घर में अगर टास्क में मुद्दा ना बना तो फिर किस चीज का मुद्दा बना, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। इस समय पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन एक टास्क हुआ है बिग बॉस के घर में। इस टास्क में आप समझ सकते हैं कि आड़े हाथों सबको ले लिया गया है। आड़े हाथों लेने का मतलब मेरा बहुत ज्यादा क्लियर मतलब है कि भाई ऑलमोस्ट सब घर वालों की गलती भी बिग बॉस ने निकाल दी और अपना पलड़ा भी साफ कर लिया है। आपको बताऊं, मैं तो ये टास्क था कि किसकी गलतियां अननोटिस्ड जा रही हैं, यानी कि किसकी गलतियां लोग देख नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद लव कटारिया जो है वो नेजी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि सेफ गेम खेल रहा है। सना मकबूल नाम लेती है रणवीर शौर्य को और कहती है डिसरिस्पेक्ट खुद करते हैं और उसके बाद फिर उस चीज का मुद्दा बनाते हैं। अरमान नाम लेते हैं सना मकबूल का, कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्वीट तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। अदनान नाम लेते हैं अरमान का और कहते हैं ये टू फेस्ड है, दो चेहरों वाला आदमी है। सही केतन राव नाम लेते हैं विशाल का और कहते हैं ये थोड़ा सा गलत कंपनी में आ गया है, इन गलत कंपनी बेसिकली। दीपक जो है वो नाम लेते हैं रणवीर का और कहते हैं कि मैंने इनको बचाया, इन्होंने मुझे ही नॉमिनेट कर दिया। विशाल नाम लेते हैं अरमान का और कहते हैं कि मक्खन लगा के अपना काम करवाते हैं, वरना ये भी टू फेस्ड इंसान है। रणवीर नाम लेते हैं विशाल का और उसके बाद अगर देखा जाए नेजी शिवानी का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि शिवानी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है। शिवानी जो है वो नाम लेती है नेजी का और ये कहती है कि किचन में नेजी बिल्कुल भी हाइजीन नहीं रखते हैं, गंदगी फैला के रखी है उन्होंने। सना सुल्तान जो है वो दीपक का नाम लेती है और कहती है कि बहुत ज्यादा बायस्ड है। और वहीं कृतिका नाम लेती है नेजी का और कहती है कि नेजी बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड है। अब समझिए दोस्तों, इस टास्क की आड़ में लोगों ने किस तरीके से किसको जो बोलना था वो बोल भी दिया। असली मुद्दा यही है कि अगर ये लोग यही चीजें सामने बोलना शुरू कर दें तो ये टास्क कोई मतलब का ही नहीं होगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।